हेलो स्टूडेंट्स दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस ये 2022 के अंदर कंडक्ट किया गया था ये जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो भी आप कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ठीक है सो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं और यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस आपको तीन घंटे के अंदर आपको अस्सी नंबर का पूरा पेपर करना है और इंस्ट्रक्शन क्या है नोट में क्या दिया हुआ है कि अटैम्प्ट फाइव क्वेश्चन इन ऑल कोई भी आपको पाँच क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इन सभी में से और कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कंपलसरी है ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स सभी के सभी क्वेश्चन क्या करेंगे इक्वल इक्वल सोलह सोलह नंबर के लेकर चलेंगे ठीक है अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का पेपर है ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है क्या कह रहा है कि राइट दर शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग चार चार नंबर के पेपर है टोटल सोलह नंबर के हो जाएंगे ठीक है बच्चे क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन द टीचिंग टीचिंग के अंदर कंप्यूटर की एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है हेल्थ एंड योगा आपका जो क्रिएट क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल लर्निंग एंड टीचिंग ये सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं ना उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे सो वहाँ पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को ऑपरेट कीजिए ठीक है क्योंकि मैंने जितना देखा है कि बी क्लासेस को वैसे मैं अपना सिलेबस कवर करवाती हूँ और एम कॉम की क्लासेज को सो यहाँ पर मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं वही आपके जो आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप बी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही पैटर्न है और मैंने आपको मैंने इसलिए मैंने क्या किया है 2021 के 2022 के दोनों सालों के क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड किए हैं और बताया है कि कहां से किस तरीके से क्वेश्चंस बना है और कहां से कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है सो चैनल पर जरूर विजिट करना ठीक है तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है हर कंटेंट एनालिसिस क्या होता है ये चारों के चारों क्वेश्चन चार चार नंबर के हैं और इनको आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है जी अब यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट में आपको क्या दिए जाएंगे आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन दो क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ठीक है तो सबसे पहले सेकंड फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि राइट डाउन द जर्नल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट द सेकेंडरी लेवल इन डिटेल सेकेंडरी स्टेज इन डिटेल सेकेंडरी स्टेज पर टीचिंग कंप्यूटर साइंस के एम और उसके ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन कि राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग क्या कह रहा है कि कंसेप्ट एंड द नीड ऑफ द कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस की कंसेप्ट और उसकी नीड उसकी ज़रूरत को आपको एक्सप्लेन करना है थर्ड uh, का ही बी पार्ट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है आपको इसमें एक्सप्लेन करना है अभी पहले पहले फर्स्ट यूनिट हुई है कंप्लीट और फर्स्ट यूनिट में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको क्वेश्चन आता है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट में भी आपको क्या दिए जाएंगे दो क्वेश्चन दिए जाएंगे दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द स्किल ऑफ द क्वेश्चनिंग एज ए माइक्रो टीचिंग स्किल इन अ ब्रीफ ठीक है जी ये आपको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हाउ ड यू यूज इट फॉर इन द टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस किस तरीके से हम सी ए आई का यूज करेंगे टीचिंग के अंदर किस तरीके से इसको प्रयोग किया जाएगा वो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यार इन अब इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो उन सब आपको आता है अब यहाँ पे आ जाती है थर्ड यूनिट थर्ड यूनिट में भी सेम एज इट इज़ रूल है दो क्वेश्चन दिए जाएंगे दोनों क्वेश्चन में से कोई है, आपको एक क्वेश्चन को लिखना है तो उस यहाँ पर सबसे पहले सिक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है वट यू अंडरस्टैंड बाय द लेसन प्लानिंग लेसन प्लानिंग क्या होती है एंड इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द लेसन प्लानिंग विद हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एग्जाम्पल की मदद से आपको इसको समझाना है किस तरीके से हम लेसन की प्लानिंग करते हैं जब क्लास के अंदर एंटर करने से पहले क्लास को अटेंड करने से पहले एक टीचर क्या करता है लेसन को प्लान करता है वो किस तरीके से करता है ठीक है सेवंथ क्वेश्चन आ जाता है थर्ड यूनिट का ही सेकंड क्वेश्चन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है वही बात सेम क्या कह रहा है कि डिस्कस द करेक्टिस्टिक्स एंड द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक इन डिटेल कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक्स बुक को सेलेक्ट करने के लिए किसके बेस पर हम सेलेक्ट करते हैं क्या क्राइटेरिया लेकर चलते हैं क्या करेक्टिस्टिक्स हैं उसको क्या है वो हमारा मतलब उस किस बेस पर हम क्या करते हैं इनको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द पैडागॉजिकल एनालिसिस पैडागॉजिकल एनालिसिस क्या होता है एंड राइट द पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इन नेटवर्किंग ठीक है जी पैडागॉजिकल एनालिसिस क्या होता है वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये उसका एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो बताना है अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चनस ना फोर्थ यूनिट थी ना फोर्थ यूनिट में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन दोनों में से कोई एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमिडियल टेस्टिंग इन द कंप्यूटर साइंस आल् डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेस्ट यूज़ इन अ कंप्यूटर साइंस डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं कौन किस तरीके टेस्ट होते हैं उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है डायग्नोस्टिक का तो मतलब समझते होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है जब जिस चीज़ को हम जब जब किस चीज़ की हम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं उसे हम डायग्नोस्टिक कहते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं ठीक है रेमिडियल टीचिंग भी इसी तरह से होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है अपनी बुक के अंदर आपको पूरा डिफरेंस दिया हुआ है ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके मोस्ट ऑफ के हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं तो उम्मीद करते हैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए डे